हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू ड्रोन टाइट ऑफ वंस अगेन। तो दिस इज अ चैनल वेयर वी टॉक अबाउट ड्रोन्स, एक्सेसरीज, टिप्स, रूल्स, रेगुलेशन, एवरीथिंग अबाउट ड्रोन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, स्ट्रोब लाइट्स। स्ट्रोब लाइट क्या होता है? ड्रोन्स के लिए, और व्हाट इज द पर्पस? ये एक एक्सेसरी है ड्रोन्स के लिए, तो आपको बताते हैं इसके बारे में। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पता लगेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। तो स्ट्रोब लाइट्स होती हैं, जैसे हमारे एम्बुलेंस के ऊपर लाइट नहीं लगती टीणी डीणी, तो बिल्कुल वैसा तरीका ड्रोन के ऊपर लगाने के लिए होता है। स्ट्रोब लाइट एक छोटी सी LED होता है, बड़ा ब्राइट होता है। तो काफ़ी आफ्टर मार्केट कंपनीज बाहर लॉन्च कर चुकी हैं, उन पर वीडियोज़ बन चुके हैं। तो थोड़ा एक मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में थोड़ी सी जगह, ताकि आपको पता लग जाए। तो ये बेसिकली ड्रोन के ऊपर लग जाता है, उसको चिपकाने के लिए एक दिया होता है सिस्टम, मतलब जैसे होता है ना हमारे शूज़ में वॉल रैक वाला सिस्टम, वो उसके ऊपर लगा के उसको चिपका देते हैं। और रिचार्जेबल होती है, और चार्ज करके आप उसको लगाते हैं, जैसे लगाते हैं बस एक टिप कीजिए वो ऑन हो जाती है। तो इसका पर्पस ये होता है कि इट इज़ एंटी कोलिजन लाइट कहा जाता है इसको, कि अगर आप ऊपर हैं, काफ़ी ऊपर ले गए हैं, और उस स्पेस में कोई एरोप्लेन आता है, तो एरोप्लेन को वो लाइट बहुत फ्लैश करती है, तो पता लग जाता है एयरक्राफ्ट को कि ड्रोन वहाँ पर उड़ रहा है, तो वो थोड़ा विजिलेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपके क्रैशेज बच सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट। तो पहला यूज़ तो ये हो गया कि वो एंटी कोलिजन लाइट है, वो इसलिए है ताकि आपको, मतलब एयरक्राफ्ट को, जो मेन एरोप्लेन है, उसको पता लग जाए पायलट को कि वहाँ पर ड्रोन है। दूसरा उसका ये है पर्पस कि अगर आप रात को उड़ा रहे हैं, तो वो आपको लाइट जब फ्लैश करेगी ज़्यादा अच्छे से आपको ड्रोन दिख पाएगा रात में, मतलब लोकेट करने के लिए। हालांकि ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी लाइट की क्वालिटी पे, किस क्वालिटी की आपकी लाइट है। अगर आपके ब्राइट LED नहीं है तो किसी काम का नहीं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइट आपकी स्ट्रोब लाइट होनी चाहिए, तभी आपको दूरी से दिखेगी। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूँ, जो DJI एंटरप्राइज ड्रोन है, यानी जो कमर्शियल ड्रोन आते हैं, उन पर ये स्ट्रोब लाइट्स बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी फिट करके देती है। जैसे DJI एंटरप्राइज में DJI ने अपने आप ही पहले से लगा के दी हुई है, क्योंकि ऐसे ड्रोन्स काफ़ी एक्सट्रीम पोजीशन में हम यूज़ करते हैं, रात को यूज़ करते हैं कमर्शियल पर्पज़ की। जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया था पहले कि कहाँ कहाँ ड्रोन यूज़ होते हैं, कई एक्सट्रीम पोजीशन होती है, अंधेरा होता है, वहाँ पर आपको ड्रोन ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए स्ट्रोब लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो DJI एंटरप्राइज जैसे ड्रोन्स में ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है ये चीज़। लेकिन अगर आप अपने मैविक एयर, मैविक प्रो उस पर लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये कुछ इस तरह की आपकी होती है स्ट्रोब लाइट, ऐसे आप ऊपर लगा सकते हैं इसको ड्रोन के ऊपर। बाकी इन्होंने रेड ग्रीन एक कवर दे देते हैं ताकि उसको रेड नहीं बनेंगे, तो मेरे हिसाब से इसका कोई यूज़ नहीं है। तो फ्रेंड, इस तरह के कुछ होती है, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये 4 LEDs लगे हुए हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, और ये है वॉल्क्रो, जिससे ये आपका ड्रोन किसी भी ड्रोन के ऊपर चिपक जाएगी। कितनी ब्राइट है, इसको टच करते ही ये 2-3 तरह से आपकी लाइट जगती है। और ये है वॉल्क्रो सिस्टम, जिससे आप इसको चिपका सकते हैं। तो इस तरह से ड्रोन पे लगाया और इसके ऊपर आपने लगा दी चार्ज करके लाइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये चिपक जाए। फ्रेंड, ये थी एंटी कोलिजन स्ट्रोब लाइट की आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कि ये आपका बेसिकली सेफ्टी के लिए एक एक्सेसरी है, तो आपको लगानी चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई योर ड्रोन एट नाइट। नाइट के पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, और दिन में भी आपको LED काफ़ी ब्राइट है, आपको लोकेशन के लिए इजीली बता देगा। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस पे हम ड्रोन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। थैंक यू, कीप रॉकिंग।